हे गाइज और राइट वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप स्नैपसीड ऐप का यूज करके कुछ इस टाइप का ऑयल पेंट वाला इफेक्ट डाल के अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। गाइज इस तरीके की एडिटिंग करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान भी है। तो गाइज इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन करके रखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज लेट गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड गाइज हम अपनी फोटो को गैलरी के अंदर से ओपन कर लिए हैं। तो गाइज इस फोटो को सिंपली सेंड पे क्लिक कर देंगे देन इस फोटो को ओपन कर लेंगे हम स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो गाइज हम अपनी फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिए हैं। देन गाइज अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको ट्यून इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, यहाँ आपको सेचुरेशन को भी बढ़ा देना है लगभग इतना, एंड एम्बियंस को भी बढ़ा देना है, एंड यहाँ हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम एंड शेडोज को थोड़ा सा कम लगभग इतना -4 के अराउंड या -3, ठीक है। एंड गाइज इतना हो जाने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ से डन कर लेना है। अब आपको इस अंडो वाले मतलब एडिट स्टैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे गाइज आपको जाना है व्यू एडिट्स के अंदर। अब आपको ट्यून इमेज पे क्लिक करना है। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है एंड गाइज यहाँ से आपको इन्वर्ट कर लेना है। देन अपनी फोटो को जूम करना है एंड गाइज कुछ इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस से आपको इरेज कर देना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे गाइज कि अपने फेस से तो इरेज करना है, साथ ही साथ अपने हेयर से भी इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। तो गाइज हम कुछ इस तरीके से इस इफेक्ट को यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो ये गाइज बहुत ही ईजी है, आप इजीली कर पाओगे। मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। तो मैं गाइज वीडियो को क्या फास्ट करूँ, इसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। तो गाइज कुछ इस तरीके से हम हैंड से भी इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ईजी सा प्रोसेस है, आपको ये काम पहले कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज इतना काम तो ख़त्म होता है। एंड गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि हमने जैसे इफेक्ट को इरेज कर दिया, अभी आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा इफेक्ट अभी सिर्फ हमारे क्लोथ्स पे है एंड बैकग्राउंड पे है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ से अब आपको डन कर लेना है। एंड गाइज यहाँ से बैक जाना है। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है गाइज। देन यहाँ से आपको इस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ से आपको स्किन स्मूथिंग को लगभग यहाँ पे 55 के राउंड बढ़ा लेना है, आई क्लैरिटी को आपको बढ़ा लेना है गाइस। देन यहाँ से आपको डन कर लेना है, ठीक है। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ आपको सेलेक्टिव पे क्लिक करना है। एंड गाइज कुछ इस तरीके से आपको अपने नेक के पास इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन को कम कर लेना है, ठीक है गाइज। वैसे सेम प्रोसेस हम अपने हैंड पे भी करेंगे, ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन को कम कर लेंगे। एरिया अच्छे से सेलेक्ट आपको कर लेना है गाइज, एरिया स्ट्रक्चर को भी कम। देन यहाँ से आपको डन कर लेना है, ओके। एंड गाइज अब आपको सिंपली यहां से इस शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। एंड गाइज इस फोटो को अब आपको ओपन कर लेना होगा लाइटरूम मोबाइल ऐप के अंदर, ठीक है। तो हम यहां से ऐड टू एलआर कर देते हैं गाइज। तो हमारे पास ऑलरेडी लाइटरूम मोबाइल ऐप इंस्टॉल है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड गाइज ये रहा ऐड टू एलआर हम कर देते हैं। देन गाइज ये फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो गई, ठीक है। तो अब यहां से गाइज हम लाइटरूम ऐप को भी ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद गाइज अब आपको ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ से आपको ये वाला प्रीसेट जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक गाइज हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ये प्रीसेट हमारी वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन इस 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देना है। देन गाइज याद रहे कि ये जो टूल्स का ऑप्शन है जो कि ये एंटिक है एंड यहाँ पे जियोमेट्री का है, एंटिक है, तो ये आपको एंटिक ही रहने देना है गाइज। अब आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड यहां से बैक जाना है, ठीक है। अब आपको अपनी फ़ोटो को ओपन करना है। मान लीजिए गाइज कि हमें इस फोटो को एडिट करना है, जैसे कि हमने स्नैपसीड ऐप के अंदर कुछ एडिट किया देन इस फोटो को हमने शेयर किया था लाइटरूम ऐप के अंदर। अब आपको इस 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करना है। यहां से गाइज आपको पेस्ट सेटिंग पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे अपनी फ़ोटो बिफोर एंड ये देख पाओगे आफ्टर, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर एडिट नहीं हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कस्टमाइज मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना है। जैसे कि गाइज यहाँ आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन के अंदर। देन यहाँ पे गाइज आपको जाना है मिक्स टूल के अंदर एंड यहाँ से आपको ये कलर को थोड़ा सा जो है इधर कर देना है, मतलब ये पूरा मतलब वो वाला कलर सीएन कलर मतलब आपको नहीं रहने देना है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं लेफ्ट साइड की तरफ एंड यहाँ से इतना,
एंड यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा ये ऐसा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इतना कर देंगे, देन यहाँ लुमिनेंस को थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब कि थोड़ा सा कस्टमाइज आपको करना होगा। यहाँ से ब्लू वाले कलर के अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको भी कम कर देंगे, ह्यू को लगभग इतना कर देंगे, एंड गाइज ये वाले कलर के अंदर आएंगे, ये सियान कलर है तो इसे हम लगभग इतना रख देंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड गाइज अभी आप देख पाओगे फोटो कुछ इस टाइप की आपकी दिखेगी। अब गाइज आपको रेड कलर में आना है, रेड का सेचुरेशन थोड़ा सा जो है कम कर देना है लगभग इतना। एंड गाइज अभी भी हमारी फ़ोटो प्रॉपर एडिट नहीं हुई है, अब आपको जाना है येलो कलर के अंदर, देन येलो कलर का अगर आप ह्यू को पूरा आगे की ओर कर दोगे तो ये पूरा सियान कलर में हो जाएगा, अगर आप इसको मतलब ये लेफ्ट साइड की तरफ करोगे तो ये थोड़ा सा आपको ब्राउन टोन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें तो दोनों मिक्स टोन रखना है, तो बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं रखना है, इसे मैं लगभग इतना कर देता हूँ, सेचुरेशन को थोड़ा सा जो है गाइज कम कर देता हूँ लगभग इतना, लुमिनेंस को थोड़ा सा कम, वैसे ही यहाँ पे गाइज ये वाले कलर के अंदर आपको करना है, थोड़ा सा गाइज आपको कस्टमाइज करना होगा, मतलब इधर उधर करके जो कलर आपको ज़्यादा बेटर लगे वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से रख लेता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। अब यहाँ गाइज लुमिनेंस को थोड़ा सा कम कर देंगे लगभग इतना, एंड गाइज यहाँ से आपको डन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से एम्बियंस को थोड़ा सा जो है हम बढ़ा लेते हैं लगभग इतना, एंड गाइज यहाँ आपको जाना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर, क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी को कम कर देंगे, टेक्सचर को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ विंटेज मतलब विग्नेट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा जो लगभग इतना रख लेंगे, मतलब कम करके, एंड गाइज यहाँ से गाइज आपको जाना है इस ट्रायंगल वाले शेप के अंदर, शार्पनिंग को आपको बढ़ा लेना है, एंड डिटेल्स को, एंड नो एज रिडक्शन लगभग इतना, ठीक है। इतना हमारे देखने मतलब ख्याल से परफेक्ट लग रहा है गाइज। यहाँ कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे, डिटेल्स को बढ़ा देंगे, देन आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेंस वाले ऑप्शन पे, एंड इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो गाइज अभी हमारी फाइनल फ़ोटो देखोगे बिफोर, एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, तो गाइज फ़ोटो यहाँ पे काफ़ी गजब की हमारी एडिट हो गई है। अब गाइज सिंपली कुछ नहीं करना है, ये दूसरी फ़ोटो ओपन हो गई, तो गाइज सिंपली इस फोटो को शेयर पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपको सेव टू डिवाइस कर लेना है। आपकी फ़ोटो गाइज प्रॉपरली एडिट हो गई, मतलब बहुत सिंपल सी है। अगर आपको इसमें ऑयल पेंट का इफेक्ट डालना है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ऑयल पेंट का इफेक्ट कैसे डाल सकते हो। तो गाइज ये भी बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, इसको सिंपली शेयर पे क्लिक कर देंगे, शेयर टू कर देंगे, एंड गाइज इस फोटो को अब हम ओपन कर लेंगे टूल विज ऐप के अंदर, ठीक है। तो टूल विज ऐप के अंदर इस फोटो को हम सिंपली यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये रही टूल विज ऐप। तो गाइज इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इफेक्ट्स पर जाना है, सॉफ्ट स्मर्ज पे जाना है, तो इस पर हम आ गए, एंड यहाँ से आपको 7 या 8 नंबर वाला इफेक्ट ले लेना है, मैंने 7 नंबर वाला इफेक्ट ले लिया। यहाँ आपको मास्क पे क्लिक करना है, यहाँ क्लीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब अपनी फ़ोटो को जूम करना है, एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको पूरे हेयर पे इसको चला देना है, ठीक है। तो पूरे हेयर पे चला देने के बाद गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि पूरा ऑयल पेंट का इफेक्ट यहाँ पे हो चुका है, देन यहाँ से आपको डन कर लेना है, ठीक है। तो गाइज अभी आप अपनी फ़ोटो देख पा रहे हो कि कितना मस्त लग रही है ऑयल पेंट के इफेक्ट के बाद। अब इस फोटो को सिंपली सेव पे क्लिक कर देते हैं, देन यहाँ से आपको PNG करके सेव कर लेना है। तो गाइज हमारी फ़ोटो कम्प्लीटली एडिट हो गई, बहुत ही कम समय में एंड बहुत सिंपल से स्टेप्स में। एंड गाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने बैकग्राउंड को ब्लर करके आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया, तो गाइज हम आपको बता दें कि इसके ऊपर हमने एक प्रॉपरली वीडियो बना दिया है कि किस तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं। अगर आपको ये सीखना है कि बैकग्राउंड कैसे ब्लर करते हैं जैसा मेरी फ़ोटोज़ में रहती है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो देख के आप इजीली सीख सकते हो कि बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।